क्यूआर कोड स्कैन करुथिले सावधान, गोटे क्लिक रे होई पारे अकाउंट खाली। ऑनलाइन पेमेंट हेउ अबा कोनोसी वेबसाइट एक्सेस करिबा हेउ, आमे तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करि देथाउ। हेले ए क्यूआर कोड सर्वदा ठीक थिबो ताहा भाबिबा अमर मूर्खामी। जदि आपण कोनोसी क्यूआर कोड स्कैन करु करु एहा स्कैम पालटिला ताहाले आपण असुविधा रे पड़ी पारंती, अर्थात एपटे गोटे कोड स्कैन सेपटे सबु डाटा होई पारे लीक। एपरी साइबर ठकेरु बंचिबा पई हेले आपणकु किछि गुरुत्वपूर्ण कथा उपरे ध्यान देबाकु हेबो। तेबे आसंतु जानिबा क्यूआर कोड स्कैम रु किपरि बंचिबे। मुख्यतः साधारण लोकंकु टार्गेट करुछंती साइबर चोर, लोकंकु फसेबा पई विभिन्न प्रकार चाल चलंती एमाने। लोभ देखाई गोटे क्लिक रे करि दियंती अकाउंट खाली। साइबर सिक्योरिटी कंपनी को मतरे लोकंकु फसेबा पई एबे स्कैमर माने फिशिंग लिंक रो पंथा अपनाई छंती। सेमाने लोकंकु मेल को क्यूआर कोड लिंक पठाई ठकामी करुछंती। खाली ईमेल जरिए रे नुहे, बरंग आहुरी अनेक प्रकार चालाकी करी लोकों को लुट छंदी। तेणु समय थाउ थाउ सावधान हुई जानतो। केमिति हुए स्कैम? एहि क्यूआर कोड फिशिंग लिंक एवं स्कैम पेज सह एनकोडेड होई रही थाए। सेथि पई जदि कोनोसी यूजर एहि कोड को स्कैन करे तेबे से एहि स्कैम रो शिकार होई पारे। किछि मामले रे देखिबाकु मिलिछि कि लोकंकु गिफ्ट एवं टंका रिटर्न नारे एहि जालरे खूब शीघ्र फसि जाय थाए। एबे स्कैमर माने दोकान मानकरे एवं अन्य स्थान मानकरे मध्य फेक क्यूआर कोड लगाई देउछंती, जहा द्वारा एहा स्कैन करबा क्षणि टंका अन्य अकाउंट को पेमेंट होइछबो। एहा कु नै किछि दिन पूर्वरु एफबीआई पक्षरु वार्निंग जारी करा जायछि। एफबीआई अनुसारी एहि क्यूआर कोड स्कैनिंग करबा द्वारा आपनको मोबाइल मध्य हैक होई पारे एवं आपनकर सब पर्सनल डाटा को मध्य हैकर हैक करि परिबो एवं मोबाइल जके अन्य लोक जासूसी भी करा जाई पारे। एपरि कि हैकर आपनको फोन रे जे कोनोसी ऐप मध्य डाउनलोड करि परिबो। फिशिंग अटैक कोन? माछक धरबा पई जेपुरी चारा एवं जाला पका जाय, ठीक से परी लोकंकु स्कैम रो जाल रे फसाइबा पई सेमाने विभिन्न प्रकार जिनिसर प्रलोभन देखाई थांती। एही प्रकार स्कैम पई साधारणतः ईमेल बा एसएमएस जरिया रे सेमाने तांको जाल पकेई थांती। सेति पई स्कैमर एवं फिशिंग लिंक परिवर्ते एबे क्यूआर कोड पठाइबा आरंभ कर देले। जदि कोनोसी यूजर एही कोड स्कैन कला ताहाले तंकर काम होइगला। जोंडी फ्रॉड लिंक एवं ईमेल को चिन्हिबा सहज, अन्य पटेरे एही क्यूआर कोड को चिन्हिबा सेतिक मुश्किल। सरकार तथा साइबर सिक्योरिटी कंपनी लगातार एही प्रकार स्कैम को नै सावधान करि आसुछन्ति। कोनोसी लिंक सहजरे लोकंकु ठकिबा साइबर अपराध मध्यरु सबटुरु अधिक घटतिबा घटना। लोकंकु जेपरी एही सबु जिनिस विषयरे सूचना दिए जाइछि सेमाने ठीक सेहिपरि एपरि ईमेल एवं मेसेज ठारु दूरै रहिबार लागिलेनि। एही क्यूआर कोड स्कैन कले कोन हुए? जेपरि आपण एही स्कैम रो क्यूआर कोड स्कैन करिबे तेबे संगे संगे एक वेबसाइट रिडायरेक्ट होइछिबो। एही वेबसाइट आपणकु तमाम प्रकार रो परमिशन बा एक्सेस मागिबो। एही प्रकार रे स्कैमर आपणकर सबु डाटा को हैक कर थाए। क्यूआर कोड स्कैम रु किपरि बचिबे? इंटरनेट दुनिया रे आपण सावधान एवं सतर्क रहिले ही एपरि स्कैम ठरो दूरै रहि परिबे। सेति पई आपणको किछि सूचना उपरे ध्यान देबाक पडिबो। क्यूआर कोड सह आसुथिबा ईमेल एपरि स्कैम रो प्रथम संकेत अटे। जदि आपणको कोनसी ईमेल रे क्यूआर कोड शो करूछि तेबे सतर्क होइ जानतु। स्कैमर अनेक समय रे यूजर्स को तरबरिया कामर फायदा मध्य उठाय थाए। सेति पई सेमाने पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज एवं एक्सपायरी परी ईमेल कर थाए, जहाँ को देखि लोके तरबरिया भाबरे भूल निष्पत्ति नै थांदी एवं एपरि स्कैम रो शिकार होंदी।
ସେଥିପାଇଁ ଇମେଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ଜି ଇମେଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି କୋଡ୍ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ ଅଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଦୋକାନୀ ନାଁରେ ଅଛି ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।